इसराइल और हमास के बीच चल रहे जंग में अभी तक सैकड़ों मासूमों की जान चली गई है और हजारों घायल हैं। युद्ध की आग अभी तक ठंडी होती नहीं दिख रही है। इसी बीच दुनिया भर में कोई फिलिस्तीन तो कोई इसराइल को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। हाल ही में एडल्ट स्टार मियां खलीफा को फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के चलते नौकरी से निकाल दिया है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो स्टार हैं एडल्ट स्टार मियां खलीफा, उनको फिलिस्तीन की सपोर्ट की वजह से उनको अपनी जॉब से निकाल दिया गया है। इसराइल के लिए शनिवार की सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। फिलिस्तीन समर्थक आतंकी संगठन हमास ने अचानक इसराइल में रॉकेट दागना शुरू कर दिया। घरों से निकलकर आम लोगों को गोलियों से भूनने लगे और बंधक बनाना शुरू कर दिया। इसराइल की हालत देख दुनिया भर में लोगों की रूह कांप गई और इसी बीच कुछ लोग फिलिस्तीन का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमास के हमले के बाद इसराइल ने भी फिलिस्तीन पर हमला बोल दिया। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के बीच दुनिया भर के लोग दोनों देशों के प्रति समर्थन जता रहे हैं। कुछ लोग फिलिस्तीन की साइड ले रहे हैं तो कुछ इसराइल की। हाल ही में एडल्ट स्टार मियां खलीफा ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, जिसके चलते उन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ा और सोशल मीडिया पर भी जमकर कॉन्ट्रोवर्सियों की वजह बन चुकी हैं। मियां खलीफा ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर कर फिलिस्तीन का समर्थन किया। एक पोस्ट में मियां खलीफा ने फिलिस्तीन को फ्रीडम फाइटर कहा। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, क्या कोई फिलिस्तीन में फ्रीडम फाइटर से कह सकता है कि वह अपने फ़ोन पलटें और 36 फिल्म बनाएं। इस पोस्ट के चलते मियां खलीफा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें, टोडा के रेडियो होस्ट ने पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए मियां खलीफा को नौकरी से निकाल दिया। रेडियो होस्ट ने मियां के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, यह बहुत ही भयावह ट्वीट है। मियां खलीफा, आप समझ जाइए कि आपको निकाल दिया गया है। बहुत नफरत भरा है ये। प्लीज़ आगे बढ़ें और एक बेहतर इंसान बने। यह साफ दिख रहा है कि आप मृत्यु, बलात्कार, मारपीट और बंधक बनाए जान को नज़रअंदाज कर रही हैं। यह वाकई बहुत घृणात्मक है और आपने जो कहा है वह वाकई घृणात्मक बातें कही है। पोस्ट में आगे कहा, कोई भी शब्द आपकी अज्ञानता को स्पष्ट नहीं कर सकता। इस ट्रेजरी में हम इंसानों को एक साथ होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप एक बेहतर इंसान बने, लेकिन लग रहा है कि आपके लिए बहुत देर हो चुकी है। जी हाँ, बहरहाल इस खबर पे आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।